हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकेटेक्स इंडिया। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ निक नेम का एक वीडियो लेके, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे स्टाइलिश टाइप से निक नेम क्रिएट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप इंस्टाग्राम चलाते हो या व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम या शेयर चैट वगैरह हो गया, निक नेम क्रिएट कर लोगे एकदम अच्छे टाइप से। अगर इंस्टाग्राम पर ऐड कर दोगे या फिर शेयर चैट हो गया या फिर व्हाट्सअप हो गया या फिर मैसेंजर हो गया, ठीक है, वहाँ पर अगर ऐड करोगे तो सामने वाला यही सोचेगा कि यार ये कौन सी ट्रिक लगा रहा है, कौन से ट्रिक से इसने ये इस टाइप से निक नेम क्रिएट किया है। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको ऑल कर देना, जिससे मेरी कोई सी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आ गया हूँ यहाँ पे क्रोमेटिक, आप कोई सा ब्राउजर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं सर्च करा लेता हूँ शेयर चैट, तो यहाँ पे आपको यही सर्च कराना है शेयर चैट निक नेम, ठीक है। जैसे इसको आप सर्च करा लोगे यहाँ पे, फर्स्ट में यहाँ पे देखिए ये वाली साइट आ जाएगी, इस पर क्या करना है, सिंपली आपको इस पर कर देना है क्लिक। तो जैसे इस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा निक नेम आ जाएंगे, ठीक है। आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप शेयर चैट में इसको यूज़ करो, आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप या फिर मैसेंज, मतलब यहाँ से क्रिएट करके वहाँ ऐड कर सकते हो। तो नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे देखिए जो आपको थंबनेल में दिख रहा था, मतलब कि निक नेम, सेम आपको वही यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे जो मतलब बताया हूँ सेम वही यहाँ पे आपको निक नेम मिलेगा, और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे निक नेम आपको मिलेंगे। कैसे क्रिएट करने हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए किस टाइप के यहाँ पे स्टाइलिश टाइप के यहाँ पे आपको निक नेम मिल जाएंगे। देखिए निक नेम, ठीक है, जो भी आप मतलब कि क्रिएट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो और भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला भी काफ़ी धांसू यहाँ पे लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। ये एक ये वाला हो गया, बहुत ज़्यादा इस टाइप के हैं यार। फ्रेंड्स, आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे लिए एक निक नेम क्रिएट कर दो, आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको किसी का निक नेम कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो आपको मैंने निक नेम दिखा दिया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर निक नेम दिए गए हैं, देख लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये वाला मुझे निकनेम अच्छा लग रहा है, तो क्या करता हूँ मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने नोट्स पेड में, मतलब कि इसको कॉपी करके आपको नोट्स में अपने रख लेने हैं, ठीक, जो भी आपको निकनेम अच्छा लग रहा है, ठीक। फ्रेंड्स, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं नोट्स में ले सके आपको कैसे अपना नाम इसमें ऐड करना है वो बताता हूँ, ओके फ्रेंड्स। अब मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ओके। आपको क्या करना है, आपको जो भी ना निक नेम अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या करना है आपको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से पेस्ट कर लीजिएगा, मैंने कुछ यहाँ पे पेस्ट करके रखे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ निकाल के रखे हैं निक नेम, ठीक है। तो क्या करना है, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, सारे वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको क्या करना, आप अपना नाम कैसे इसमें ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है ऊपर किसी लड़की का नाम, ठीक। क्या करता हूँ मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आर को रिमूव कर दिया, अब मेरा नाम जैसे कि आयुष है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए कीबोर्ड के, आपको क्या करना है कोई कीबोर्ड एक अच्छा सा डाउनलोड कर लेना है, उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस कीबोर्ड का, ठीक, ओके फ्रेंड्स। कीबोर्ड को कर दिया है चेंज, ठीक है। इस कीबोर्ड का नाम है स्टाइलिश कीबोर्ड, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलता है इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल करा लेना, यहाँ पर आपको सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने वहाँ पर आर को रिमूव किया था, आप क्या करता हूँ उसी टाइप का यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करा लेता हूँ, यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये रहा फ़ॉन्ट, मैं यहाँ पे ए लिख दिया, ओके फ्रेंड्स। क्या करता हूँ इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिमूव। अब यहाँ पे कोई अच्छा सा और फ़ॉन्ट यहाँ पे मैं सेलेक्ट करा लेता हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो जैसे कि मेरा नाम आयुष है, ए वाई, और यहाँ पर मैं यू को भी यू, जिस भी फ़ॉन्ट में अपना निक नेम क्रिएट करना चाहते हो वो उसमें आप कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यस। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एस। तो मैंने यहाँ पे देखिए आयुष यहाँ पे लिख दिया, एकदम अच्छे टाइप से मेरा यहाँ पे निक नेम क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको मतलब कि इंस्टाग्राम पे ऐड करता हूँ तो इंस्टाग्राम पे देखिए कैसा मेरा अकाउंट लगता है, ओके फ्रेंड्स। ऐड, ये देखिए मेरा यहाँ पे ऐड हो गया, काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी फ़ॉन्ट इसमें ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। ट्रिक मैंने आपको बता दिया, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे सिंपल आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, फ़ॉन्ट भी मिल जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। तो इसको मैं सेट करना चाहूँ, देखिए यहाँ पर मेरा ये सेट हो गया, ओके फ्रेंड्स। जो भी यार आपको अच्छा लगे, जैसे कि मुझे ये वाला भी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ और उसी में ले जाके नोट्स में यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं आयुष डाल देता हूँ,
तो यहाँ पे अगर फ़ॉन्ट चेंज करूँ तो फिर मैं यहाँ पे ए, देखिए फ्रेंड्स मैंने ए टाइप कर दिया, और यहाँ पे मैं बाई US एक जैसा अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, आपको यार पता चल रहा है, आपको ये ट्रिक समझ में आ जाए, आपको किसी से कहने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरे लिए निकनेम क्रिएट कर दो, ठीक है। यू और यहाँ पे एस, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे और भी कुछ मतलब कि ऐड करना, तो क्या कहता हूँ मैं इसका कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको मैं इसके पीछे ऐड कर देता हूँ यहाँ पे जो आयुष लिखा है। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा आयुष यहाँ पे देखिए और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे अकाउंट लगने लगा, और फिर से मैं यहाँ पे आपको ले जाके उसी इंस्टाग्राम अकाउंट पे यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स अब ये आपका मैसेंजर पे भी मतलब कि ऐड हो जाएगा निक नेम। ओके फ्रेंड्स कि नहीं, अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, देखिए मेरा यहाँ पे आयुष दिख रहा है, AYUSS, ठीक है फ्रेंड्स। तो यार इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको ऑल ज़रूर करना, जिससे मेरी कोई सी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर।